हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी कड़ी। सबसे पहले आप किसी मिक्सिंग जार को लें, इसमें आप 2 बड़े चम्मच बेसन डालें, इसमें डालें खट्टा मट्ठा जिसे लस्सी, छाछ कई नामों से जाना जाता है। अगर आपके पास मट्ठा ना हो तो आप इसकी जगह दही को यूज़ कर सकते हैं। जार का ढक्कन लगाकर आप इसका मिक्स है वो रेडी कर लें। अब आप इसमें और पानी ऐड करें, ये सादा पानी है। पैन में सरसों का तेल डालें और उसे गरम करें। तेल के गरम हो जाने पर आप इसमें डालें मेथी दाना, साबुत धनिया, जीरा, राई और हींग, साबुत लाल मिर्च, इसे 1 मिनट के लिए पकाएं और अब आप इसमें कटा हुआ प्याज डाल दें। प्याज को आपको हल्का पिंक करना है। प्याज हल्के पिंक हो जाएं तो आप इसमें डालें लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार और हल्दी पाउडर, इसे भी मिक्स करें। अब आप इसमें जो हमने मट्ठे और बेसन का घोल बनाया था वो ऐड कर दें। कढ़ी को आपको पहले बहुत पतला रखना है और बाद में ये कड़ कड़ कर गाढ़ी हो जानी चाहिए। अभी हमने इसको बहुत पतला रखा है। इसे आप लगातार चलाएं जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। जब इसमें एक उबाल आ जाए तब आप इसमें नमक ऐड करें। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। इसे मिक्स करें और गैस की फ्लेम को सिम कर दें। इसमें ये सुखाई हुई मेथी है ये ऐड कर दें। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और खुशबू है वो भी बहुत अच्छी आएगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। अब आप इसे सिम गैस पर ही ढक दें, लेकिन पूरा ना ढकें, इसे थोड़ा सा खुला रहने दें और इसे सिम गैस पर पकने दें। बीच बीच में आप कढ़ी को हिलाते रहें। इसे सिम गैस पर ही अच्छे से कढ़ने दें और बीच बीच में आप इसे हिलाएं जरूर। अब जब तक हमारी कढ़ी है वो कड़ रही है तब तक हम पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। इसे मैं दूसरे गैस पर शिफ्ट कर देती हूँ और यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रख देती हूँ। पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम प्याज को कद्दूकस कर लेंगे। अब हमने प्याज है उसे कद्दूकस कर लिया है। इसमें आप डालें कटी हुई हरी मिर्च, कसूरी मेथी, साबुत धनिया, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड करें, लाल मिर्च पाउडर भी आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड करें। इसमें डालें गरम मसाला और इसमें थोड़ा सा वही मट्ठा डालें जिसकी हम कढ़ी बना रहे हैं। अगर आपके पास मट्ठा ना हो तो आप 2 चम्मच दही को ऐड करें। अब आप इसे एक बार मिक्स कर लें। अब इसमें बेसन डालें, अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें 1 चुटकी आप खाने का सोडा डाल दें, बहुत कम डालें
और इसे भी अच्छे से मिक्स करें। ये जो मट्ठे और खाने के सोडे का रिएक्शन होगा, इससे पकोड़े हैं वो सुपर सॉफ्ट बनेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करें और अब इससे छोटे छोटे पकोड़े हैं वो हम रेडी करेंगे। हमारा ऑयल है वो गर्म हो चुका है, अब छोटे छोटे पकोड़े इसमें आप डालते जाएं। इस तरह से आप पकोड़े तल लें। अब हमारे पकोड़े हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम कढ़ी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसे हिलाएं, इसे एक बार आप चेक कर देख लें। बेसन कच्चा नहीं होना चाहिए और नमक है, अगर आपको कम लगे तो आप नमक और मिला लें। यहाँ पर आप थोड़ा सा चना मसाला डालें, क्योंकि बेसन है वो चने की दाल से बनता है और अगर आप कढ़ी बनने के बाद उसमें थोड़ा सा चना मसाला डाल देंगे तो उसका टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने अभी पकोड़े तैयार किए हैं। इन्हें कढ़ी में एक बार डिप कर दें और 2 मिनट के लिए इन्हें सिम गैस पर ही पड़े रहने दें। 2 मिनट के बाद आप इसे एक बार हिलाएं और गैस की फ्लेम को बंद कर दें। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, हम इस पर दूसरा तड़का और लगाएंगे, क्योंकि पंजाबी हैं तो तड़का तो लगाएंगे ही। आप इसे किसी बोल में निकाल लें। किसी पैन में देसी घी डालें, 1 चम्मच देसी घी है, और इसे गरम करें। ये है कड़ी पत्ता, साबुत लाल मिर्च और ये है देगी मिर्च। अब हम ये तीनों चीजें इसमें ऐड कर देंगे। ये तड़का भी आप इस कढ़ी के ऊपर डाल दें। इसे आप एक बार मिक्स करें। और ये हमारी पंजाबी कढ़ी है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है।
अब मैं आपको इसे एक पकोड़े को काट कर दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट है, सिर्फ आपको स्पून लगाने की देर है और ये कटता जा रहा है। देखिए, तो बनाइए, खाइए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।